फगवाड़ा के अरवन स्टेट क्षेत्र में स्थित प्रताप सिंह बाड़ा अस्पताल में गत देर रात इलाज के दौरान हुई मौत के कारण हुआ हंगामा और रात को पुलिस ने अस्पताल में प्रदर्शन करे परिजनों को समझाकर मृतका सुनीता की लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया और दोनों पक्षों को सुबह इंडस्ट्री एरिया चौकी में बुलाया गया ताकि दोनों की सेटिस्फेक्शन की जाए। मृतक के परिजन जब चौकी में आए तो उन्होंने न्याय होता ना देख चौकी के बाहर पुलिस व क्षेत्र के भाजपा पार्षद के प्रति जमकर नारेबाजी की। फगवाड़ा से दिनेश शर्मा। क्यों आपको इतना सांस आ रहा है? मम्मी ने कहा पता नहीं क्यों, अगर वो डॉक्टर है तो उनको नहीं पता किस लिए सांस आ रहा है। वो फिर कह रहे हैं कोई ना ठीक हो जाएगी, सांस उच्ची उच्ची और तभी कह रहे हैं ठीक हो जाएगी, उनको तो लगाना चाहिए मशीन। फिर चले गए, फिर जब बाद में आए तो मम्मी की सांस एकदम तेज होने लग पड़ी, तो मम्मी एकदम से आंखें होके बंद कर तब उन्होंने मशीन लाई। मरने के बाद मशीन वगैरह लाई। मम्मी को भाप चाहिए, मम्मी कह रही है सांस चाहिए, तो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, जब टाइम टू टाइम लगाएंगे आप, जब डॉक्टर साहब कहेंगे तब लगाएंगे। अपने में बैठ के बात करें, जब बुलाने चाहिए तो कहें नहीं अभी नहीं टाइम हुआ है, पहले बोल के जाते हैं 10 बजे। सुनीता 40 साल दी फीमेल साढ़े को 31 तरीक दाखिल हुई सी, उदे सैल उस दिन घट से 78,000 से, उन्होंने दाखिल किया गया तो हौली हौली सैल 3 तरीक 3/8 90,000 हो गए, पर अचानक ही रात को उन्हें दिल का दौरा पिया तो हार्ट अटैक करके उदी मौत हो गई, जिदा कि सानू बड़ी अफसोस है और कोई भी नहीं डॉक्टर अपने मरीज़ नू गवाना चाहता। वो उन्होंने गलत फहमी हुई सी जी, अनगहली साढ़े वालों कुछ नहीं सी, उन्होंने समझा दिता गया तो वो इस गल नू समझते हैं कि डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। हाँ जी असी राहत दी जी, अपनी परसनल मैं दी तो योगदान पाया साढ़े ट्रस्ट। हाँ जी उन्होंने अपने जिहड़ा समझौता है उत्ते हस्ताक्षर करते हैं तो वो इस गल नू समझते हैं जी, हस्पताल तोड़िया गया वो गलत गल है। रजिंदर कुमार मनोहर कलोनी फगवाड़ा जिहड़ी कि बाड़ा होस्पिटल एडमिट सी, उत्थे उहदी राती तकरीबन 9:45 ते दस्सिया वी डॉक्टर साहब इहदी डैथ हो गई है, ते सानूं कंडोरों तो फोन मसूल होया सीगा, असीं फिर मौके ते पुज्जे सीगे। उदो जाते हैं जी लेडी की डैड बॉडी से कमरा नंबर 11 के वार्ड के पई हुई थी, उसके लागे वह घर वाला सी, तो उत्थे होस्पिटल भी ना जी काफ़ी भन तोड़ हुई थी। असी मौके पर आके वेरीफाई किया भी जो डॉक्टर साहब के कहने मुताबिक जी यदि लेडी सी इन टाइफाइड की मरीज सी, तो ये सैल भी घटे थे, सैल के वध गए थे, मुड़ के इन अचानक अटैक होने वाले जी डैथ हो गई थी। असी फिर डैड बॉडी लैके जी इन्हें उत्थे होस्पिटल मोरसरी च रखाई है, वो हम जो वारस से हसबेंड तो वह जो परिवार से साढ़े को आया, उन्होंने बयान स्टेटमेंट लैके असी जी 174 की कार्रवाई अमल में लै रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, ये भी पता लगा कि इन्होंने दोनों जरा जे बाड़ा होस्पिटल एक चैरिटेबल होस्पिटल है जिन्होंने वो मदद के तौर पर जे कोई हेल्प की है जी, तो फिर यह पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद वेखन की करना पड़ेगा। जिहड़ा ये मतलब उन्होंने समझौता होया किसी दबाव के लिए होया या नहीं उन्होंने आपस में किया, साढ़े सामने कोई किसी का दबाव नहीं हुआ जी, पुलिस ने केस नारेबाजी हुई, चलो ये तो तुम्हें पता है लोगों की आदत है जी नारेबाजी करनी, जो कोई काम चंगा भी करता इन्होंने सारे कोई हर बंदा जो कोई ना कोई शरारती आता जी, सारे इंसान एक जो भी जो पुलिस का काम अस भी कर रहे हैं।